हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश, ओनर ऑफ रुद्र डॉग हब एंड कैनल, देवरी टोंक, राजस्थान। और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने कैनल की दो लेब्रा की ऐसी फीमेल जो आपको कर देगी माला माल। तो आइए देखते हैं वो फीमेल कैसी है और उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं अपन आज का ये नया वीडियो, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके उनकी क्वालिटी और उनमें क्या क्या खास बात है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फीमेल है, ये 3 साल की फीमेल है और 4 बार पप्पी दे चुकी है मेरे पास, और इसने फर्स्ट टाइम दिए थे 10 बच्चे। फिर सेकंड टाइम में इसने दिए मेरे पास 12 पप्पीज़, फिर 10 बच्चे दिए वापस, फिर अभी इस बार इसने 11 बच्चे दिए थे लास्ट टाइम, 2 महीने पहले। और फीमेल गार्डिंग पर्पस से भी बहुत बढ़िया फीमेल है, चाहे कोई घर में नया आदमी आ रहा है या कोई जानवर आ जाता है तो ये बढ़िया गार्डिंग कर लेती है। आप इसके भरोसे अपना घर छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फीमेल में, ऐसी फीमेल है। और बच्चों की भी केयर अच्छे से कर लेती है, और डिलीवरी में भी इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल गारंटी है। तो अब देखिए, आप जब फीमेल आपको 10-12 बच्चे दे रही है तो आप नॉर्मली आप 10,000 का एक पप्पी भी बेचते हैं तो 10 बच्चों के 1 लाख रुपए हो रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और बढ़िया फीमेल है। और इसका रिज़ल्ट यही आएगा, आप भले अच्छे रिज़ल्ट प्रूफ कोई से भी डॉग से मैटिंग कराओगे तो ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। तो अच्छी फीमेल है, बढ़िया फीमेल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और एक फीमेल और है मेरे पास, एक ये फीमेल है, ये 2 साल की है और एक ही बार पप्पी दिए थे इसने, और वो भी 12 पप्पीज दिए हैं इसने। ये सली जो इम्पोर्ट डॉग था उसकी ग्रैंड डॉटर है, बढ़िया फीमेल है, नेचर वाइज अच्छी फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं है इसके, और बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है ये। तो देखिए आप फीमेल की क्वालिटी, वाइट स्पॉट नहीं है इसके कहीं पे भी, ना कोई वाइट बाल है। जीना नाम है इसका। और खाने पीने में दोनों फीमेलें, कुछ भी खिलाओ आप सब चलता है इनके, दवा के खाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने में कोई नखरे नहीं है इनके। किमी ले, बढ़िया अच्छी फीमेल हैं दोनों, ले केमी। और जहाँ भी जाएगी एडजस्ट हो जाएगी इनकी, कोई दिक्कत नहीं, इनको बस खाना पीना चाहिए, प्रेम चाहिए, एडजस्ट हो जाएगी, ये कोई समस्या नहीं है। ले ले, बढ़िया इनकी फुल गारंटी लेता हूँ मैं कि ये पप्पी देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेलों में, फुल गारंटी के साथ है। और मेरे घर की है ये, कोई इधर उधर से की नहीं है। जो भाई भी नया कैनल खोलना चाह,
जो भाई भी नया कैनल खोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक तो बढ़िया अच्छी फीमेल हैं, एडल्ट फीमेल हैं और नियर हीट है। ये वाली तो नियर हीट है, ब्लैक वाली, उसको अभी 2 महीने हुए हैं बच्चे दिए हुए, तो समथिंग 1-2 महीने में वो भी आ जाएगी हीट पे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी है आपको, इसको पानी में बैठना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, अभी थोड़ी उमस भी है, गर्मी भी है, तो उस हिसाब से। बस ये ऐसे ही सर्च करती रहती है, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। ले तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसी थी फीमेल है, और जिस किसी भाई को भी अगर नीड हो इनकी तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और फीमेल की फुल गारंटी दोनों की कि 100% पप्पी देती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है फीमेल में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भाई भी नया जो काम शुरू करना चाह रहा है डॉग का, तो उसके लिए बहुत बेस्ट फीमेल हैं ये दोनों, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको बड़ी फीमेलें मिल रही, नियर इट फीमेलें हैं, तो उनका काम चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फीमेलों में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, और आप सब अपने आसपास के जो स्ट्रीट डॉग है प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें, ताकि उनको भी थोड़ा प्यार और खाना पीना मिल जाए, क्योंकि हमारे सिवा उनका कोई है नहीं। तो प्लीज़ आप उनको भी लाइक करें, क्योंकि जो फॉरेन ब्रीड्स है सबके पास है, रख रहे हैं, लेकिन उनका फिर कौन ध्यान रखेगा अगर हम सब इन फॉरेन ब्रीड्स में रहेंगे। तो प्लीज़ आप उनकी भी थोड़ी हेल्प करें, ताकि, और प्लीज़ आप लोग, मैं रोड पे बहुत देखता हूँ कि कोई गाड़ी वाला किसी डॉग को टक्कर मार के जा रहा है, बेचारा वो गिरा हुआ है, मरा हुआ है। तो आप प्लीज़, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, तो प्लीज़ उनके साथ ऐसा ना करें, क्योंकि उनका भी परिवार है। तो प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाएं, ताकि किसी एक मासूम की जान बच सके। तो थैंक यू, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।